प्याज का तेल बनाने की रेसिपी बताती हूँ। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे 250 ग्राम प्याज लिया है और ये लहसुन लिया है इतना, और ये मेथी दाना है इसको भी डालना है, और ये नारियल का तेल है, ये करी पत्ता है। तो इसको हम पीस लेते हैं, इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे और इसमें ये लहसुन भी डाल देंगे। हमारा इस तरह का पिसा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, सरसों का तेल। तो अब और इसको अच्छे से और पीस लेंगे। तो ये देखिए कितना बढ़िया पिस गया है। अब इसको हम मेथी दाना डालेंगे जो हमने भिंगो के भिंगोया क्या था, थोड़ी सी पानी डाला था। इसमें बहुत अच्छे गुण होते हैं, बालों को बहुत सही रखता है। चलो है। हमारा ये भी पिस गया, मेथी दाना और कड़ी पत्ते। इसे तो थोड़ा सा तेल डाल दे तो महीन हो जाता है। ये देखिए, अब इसमें सरसों का तेल डालेंगे। कोकोनट ऑयल डालेंगे। उधर से ज्यादा करो, हाथ आ जाता सर। चलो ये देखिए, हमारा इस तरह का तेल बन गया है। देखो कितना बढ़िया, ये बहुत ही अच्छा होता है। आप रात में ओवर नाइट लगाइए, या बाल धोने के 2-3 घंटे पहले लगा लीजिए, फिर बाल धो लीजिए। इससे बाल झड़ते नहीं है, बहुत ही मुलायम अच्छे रहते हैं, और रूसी उसी बिल्कुल नहीं रह जाती है, और सफेद बाल भी काले में जाते हैं। ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है। चलो अब देखिए, इसको छान लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया निकल रहा है। कटोरी सरसों का तेल डाला था, और वो गरी का तेल डाला था, कोकोनट ऑयल, और इसमें काफी मात्रा में तैयार हुआ है। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा तैयार हो गया है। प्याज का तेल, प्याज और मेथी और करी पत्ते, लहसुन, और इसको ओवर नाइट रात में 1 दिन पहले लगा लीजिए, और इसके बाद में 2 दिन बाद धो लीजिए। अगर आपको ओवर नाइट नहीं लगाना है तो आप बाल धोने के 2-3 घंटे पहले लगा लीजिए। इससे बाल एकदम सॉफ्ट रहते हैं और झड़ते भी नहीं है, और रूसी भी नहीं रहती, और झड़ना बंद हो जाता है, सिल्की रहते हैं। और हमारा वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सुदामा भदौरिया को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।